कब्रिस्तान में रात को आया बुलडोजर और सुबह लिखा मिला प्लॉट बिकाऊ है। देख लीजिए, लेखपाल ने तो ये कार्रवाई योगी से भी तेज कर दी। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला, वाह वाह। अवैध घर पर बुलडोजर चला, वाह वाह। माफिया और गुंडों के घर पर चला, वाह वाह। कब्र पर चला तो आह आह। योगी के आदेश से अपराधी और माफिया के घर पर बुलडोजर चला, लेखपाल के आदेश से कब्र पर ही बुलडोजर चला दिया। योगी जी, आपकी बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा अमेरिका तक हुई तो सबने सराहा। अब तो हर छोटी बात पर बुलडोजर चलने लगी है। कहते हैं ना, सत्ता का नशा बहुत बुरी चीज है, पर पावर का नशा भी कम बुरी नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसने का जो तरीका अपनाया है, उसकी धमक दूर तक सुनाई दी है। बुलडोजर कार्रवाई की ये धमक यूपी से निकलकर हरियाणा और मध्य प्रदेश तक सुनाई दी है। हुआ तो यहाँ तक कि बुलडोजर को एक तरह से योगी सरकार का स्टेटस सिंबल ही बना दिया गया। पिछली विधानसभा चुनावों में बुलडोजर को लेकर खूब कहा सुनी हुई। एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा, तो दूसरी तरफ योगी के समर्थक बीजेपी की रैलियों में बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे। चुनाव बाद यूपी की जनता ने बुलडोजर बाबा पर मुहर लगा दी। उसके बाद से उनका बुलडोजर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही भरपाई करने की बात हो या अवैध तरीकों से बनाई गई संपत्तियों पर कार्रवाई करने की बात, हर बार योगी आदित्यनाथ की लोगों ने सराहना की है। कभी कभी योगी के अधिकारी ही अपने आप को योगी समझने लगते हैं। ऐसा ही मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां अलीगढ़ के थाना अकराबाद के अधौन गांव में 45 साल पुराने कब्रिस्तान को बुलडोजर ने रातों रात प्लॉट बना दिया। दरअसल लेखपाल के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण गुस्से में हैं। ग्रामीणों ने लेखपाल पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला काम हुआ है, लेखपाल ने अच्छा नहीं किया, इससे स्थिति बिगड़ सकती है। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। आपको क्या लगता है, इस कार्रवाई में कोई गड़बड़ी हुई या सच में कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।